दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और ये शाम से हमारा ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट है। तो यहाँ पे अभी ये मेरे हस्बैंड है, तो ये यहाँ पे गोलगप्पे ले आए थे खाने के लिए। और आज मेरा और इनका मैं ऐसे ही मजाक में इनसे चैलेंज कर ली थी, मतलब कि कोई कौन कितना खाता। वैसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं ज़्यादा, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह या कुछ भी हो गया ज़्यादा नहीं खाते। बहुत अगर खाना भी होता है ना तो बहुत ही कम खाते हैं, जैसे बस 2 या 3, इससे ज़्यादा हम नहीं खाते हैं। और क्योंकि नुकसान भी करता है और दिक्कत भी होता है, इसलिए हम लोग बहुत कम खाते हैं। और अगर खाते भी हैं ना तो ये आटे वाला जो आता है वो, और क्योंकि सूजी वाला जो होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो पर मन ऐसा चीज़ है कि खा ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं इनको दे रही थी भर के, और फिर ये खा लेंगे। उसके बाद बच्चे मेरे नहीं थे, वहाँ ट्यूशन गए थे तो उनके लिए मैं रख रखी थी। तो अभी मैं इनको खिला रही थी कि खा लो खा लो, पर ये नहीं खा रहे थे। तो फिर मैं बोल रहे थे तुम खा लो और एक मतलब बस ऐसे ही हम लोग खा रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा इसका पानी जो था ना बहुत ज़्यादा खट्टा था, और बहुत ज़्यादा खट्टा था तो इसलिए अजीब सा मुझे लग रहा था। और यहाँ पे देखिए, बस हम लोग खा पी लिए थे और बच्चे भी आए थे खा लिए थे, थोड़ा सा चाय भी बनाई थी पी भी लिए थे। और तो बस यहाँ पे जो है कि मैं ये आलू ये छील रहे थे और मैं भी जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए। तो आज हम दोनों साथ में मिल के खाना बनाएंगे। तो बस यहाँ पे हम दोनों मिल के बनाएंगे खाना, आज पति और पत्नी। और वही ना, कितनी बेशरम हूँ मैं, मतलब इनसे काम करवा रही हूँ। तो काफ़ी लोग मतलब ऐसी बातें बोलते हैं, अरे अपने मतलब हस्बैंड से काम करवाती हैं या फिर कुछ भी। तो अपनी मर्ज़ी से ही, जब ये घर पे रहते हैं कभी कभार तो अपनी मर्ज़ी से ही बोल देते हैं ला मतलब ये थोड़ा बहुत मैं काम कर लेता हूँ। जैसे अगर सब्जी वब्जी काटनी होती है तो काट देते हैं, और अगर मतलब और कोई काम रहता है थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, मुझे 2-3 दिन से उल्टी भी हो रही थी, तो जिसकी वजह से मतलब आज का ये सब्जी जो है यही बनाएंगे। मैंने सूट तो नहीं किया था क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, लेकिन अभी काट रहे थे तो ये सब्जी जो है यही बनाए थे, आलू और कद्दू है, सीधा फल की सब्जी है, तो यही बनाएंगे। और इनको पसंद भी ज़्यादा है और इसलिए कह रहे थे रहने दे मैं बना देता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेना। और रोटी और चावल सुबह से था थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे बनाना नहीं है, बस खाली सब्जी बनानी है। तो अभी मैं काट लेती हूँ। और यहाँ बच्चे आ गए थे तो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी, क्योंकि मेरे घर में जगह बहुत कम है और ट्राइपॉड रखती हूँ तो यहाँ पलंग पे ऊपर रख लेती हूँ, इतनी सी जगह 2 लोगों को बैठने के लिए बचती है जिसमें कि हम खाना वाना बनाते हैं। तो आप ही लोग बताइए मैं कहाँ पर मतलब ट्राइपॉड कहाँ लगाती, बहुत कम जगह है, बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वीडियो भी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये चीज़ आप लोग समझ सकते होंगे, पर मैं बस मेहनत कर रही हूँ, बस मुझे मेहनत करना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत अपने आप को यूट्यूबर बनना चाहती हैं ये वो, तो मुझे किसी के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे कुछ करना है तो अपने जीवन में, क्योंकि जीवन जो है मतलब अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हम शुरुआत करेंगे कोशिश करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम बस कुछ करें ही ना और ये सोच जाए कि बस हमसे होगा ही नहीं, तो बस वही है। कुछ लोगों के फैमिली वाले भी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है कुछ भी हो मगर मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं इन सब मामलों में। ये नहीं है कि वो मुझे मना करते हैं किसी चीज़ के लिए कि नहीं तुम मत बनाओ वीडियो, तो ऐसा नहीं है। और मुझे मतलब पूरा सपोर्ट भी करते हैं बनाने के लिए, और कभी मुझे रोकते भी नहीं है कि तुम वीडियो मत बनाओ। तो फिर मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था गर्म पानी, और गर्म पानी मैंने एक गिलास, सवेरे का टाइम है ये तो सुबह एक गिलास जो गर्म पानी करके मैं पी रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा पेट जो है ना मतलब गैस बहुत ज़्यादा बन रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा सा मतलब रोज ही आ जाता है ये, तो यहाँ पे ये जूस है, अनार का जूस है, तो ये मतलब मुझे भी बहुत चक्कर आता है। और बच्चों के लिए थोड़ा सा मंगाती हूँ पर बच्चे मेरे पीते नहीं हैं सही से, और अभी इनको मैं थोड़ा सा दे दूँगी क्योंकि बीच में इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे यही जूस है और थोड़ा सा मतलब उसके साथ केले भी ले आते हैं। चलिए मिलते हैं अभी बाद में।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर का 1 बजने वाला है। अभी मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ और ये देखिए मेरे बच्चे भी देखिए नहाए धोए हैं। अभी आदर्श भी यहाँ पे सोया है और बुलबुल भी, अभी कपड़े नहीं पहनी, मैं पहना रही हूँ। मैं उसको खुद से पहन लेती है लेकिन अभी पहनी नहीं है। और बस अभी मेरा खाना पीना भी हो गया था, मतलब नहाने धोने के बाद मैंने खाना खाया थोड़ा सा, और अभी बस आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, और किसी और के बातों पे मैं ना ध्यान देते हुए अपना जो काम है वो करती हूँ। तो क्योंकि कुछ लोग देखते हैं ऐसे है जैसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ही गुनाह कर रही हूँ, तो मुझे किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, बस मुझे अपना काम करना है बस। और आप लोगों को पता है मैं आज कितना दिन से मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ जैसे पहले सपोर्ट करते थे उसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत ही ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़। और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।